हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कनेडियन बनिया। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, अभी अभी एक चीज़ हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि वैसे तो मैं आपको फूड के रिव्यूज़ दे चुका हूं यहां पर कि आपका फूड में क्या क्या मिलता है। मैं लैम्पटन कॉलेज के क्वारंटीन में हूँ और मेरा कल यहाँ से क्वारंटीन ख़त्म हो जाएगा। बट उससे पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। तो मैंने बोला आपको लैम्पटन कॉलेज से जो आपका लंच एंड डिनर आता है एंड ब्रेकफास्ट आपका होटल से आता है उसी के बारे में बात करूंगा। बट दोस्तों, उससे पहले कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डीएम मी, देन आई हैव विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो कई स्टूडेंट्स मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लैम्पटन कॉलेज के भी हैं एंड अदर कॉलेजेस के भी हैं, जो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेजेस करते हैं एंड मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सो अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, देन आई विल गिव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो गाइज, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों, एक मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट थिंग हुई है मेरे साथ। जब ये हमारे पास आफ्टरनून में हमें अपना लंच प्रोवाइड करने आए थे, सो हमने इन्हें बोला था कि हम इवनिंग में, हमारा कल लास्ट डे है। सबसे पहले मैंने आपको ये भी शेयर किया था कि हमने एक दिन इन्हें बोला था कि हमें स्वीट डिश भी चाहिए। इन्होंने स्वीट डिश भी प्रोवाइड की थी हमें। नेक्स्ट डे ही हमें लंच में गुलाब जामुन दिया गया था एंड उसके बाद फिर एक दिन ब्रेक एंड उसके बाद फिर से दिया गया था। उन्होंने ये नहीं कि वन टाइम दे दिया एंड काम खत्म। नहीं दोस्तों, अगर आप बोलोगे इन्हें तो वो प्रोवाइड करेंगे आपको। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमने इन्हें जब ये लंच प्रोवाइड करने आए थे तो इन्हें बोला था कि आप कुछ न्यू दीजिएगा इवनिंग में, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है तो हमने कल चले जाना है यहाँ से। हमें कुछ न्यू प्रोवाइड कीजिएगा। बट मैंने बोला था इन्हें कि हमें पनीर की सब्ज़ी दीजिएगा, क्योंकि जो पनीर की सब्ज़ी थी इनकी बहुत टेस्टी लगी थी। मेरे को 2 टाइम्स मिली है 14 डेज़ में। मैं थर्ड टाइम भी वही चाहता था एक बार कि हमें रोटी के साथ पनीर की सब्ज़ी दी जाए नाइट में। बट उन्होंने पनीर की सब्ज़ी ना देते स्पेशल चीज़ दी है, तो मैं आपके साथ वही शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड जो पनीर की सब्ज़ी थी, मैंने उन्हें ये बोला था फूड में दोपहर को लंच में कि आप रात को जब डिनर देने आओगे प्लीज़ हमें पनीर की सब्ज़ी देना विद रोटी। उन्होंने बोला था यस, कोई नो प्रॉब्लम, हम देंगे कुछ ना कुछ। लेकिन उन्होंने पनीर की सब्ज़ी नहीं दी बट कुछ स्पेशल दिया जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मुझे रिसीव हो चुका है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वन स्प्राइट है एंड साथ में आपका, मैं दिखाता हूँ आपको क्या दिया गया है। साथ में दोस्तों पास्ता है एंड फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक विद पास्ता दिया गया है, विद एक कैन कोल्ड ड्रिंक एंड एक साथ में हमें पास्ता दिया गया है जिसमें ब्रोकली के पीसीज हैं एंड कैप्सिकम है एंड आपको ऑनियन है एंड साथ में टोमेटो है एंड साथ में आपके पीस हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ऐसा नहीं है कि आप इन्हें कुछ डिमांड करेंगे तो वो मना कर देंगे, नहीं, वो कंप्लीट करने की ट्राई ज़रूर करते हैं। मैंने हमने जब इन्हें स्वीट्स के लिए बोला था तो ये गुलाब जामुन प्रोवाइड करके गए थे एंड हमने बोला था कि शाम को हमें पनीर की सब्जी या कुछ स्पेशल चाहिए तो उन्होंने स्पेशल प्रोवाइड किया है। आई थिंक इट्स अ गुड कि लैम्पटन कॉलेज का, अगर आप क्वारंटीन लेने की सोच रहे हैं या बुक कराने वाले हैं तो आप लैम्पटन कॉलेज का ही लीजिएगा, अपना प्राइवेट मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपकी पूरी सेफ्टी है एंड यहाँ पर भी आपको खाने के लिए अच्छा दिया जा रहा है। बट ब्रेकफास्ट की प्रॉब्लम है अगर आप वेजिटेरियन हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको ब्रेकफास्ट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन में यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है जो आपको आपकी डाइट कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका टेस्ट बता देता हूँ जल्दी से। कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट आपको पता है एंड पास्ता का टेस्ट में, तो पास्ता बहुत टेस्टी है बट थोड़े से गर्म करने पड़ेंगे। वो ये है कि आपको गर्म करना जरूर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ठंड ऐसी है तो जल्दी ठंडा हो जाता है एंड उन्हें सभी रूम्स में प्रोवाइड करने होते हैं। 5th फ्लोर पे हमारा रूम है तो 5th फ्लोर तक आते आते ये ठंडा हो जाता है। सो गाइस, जो भी खाना आपको रिसीव होगा वो आपको गर्म करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहीं पर यही है कि यहाँ पे हमें किचन मिली हुई है, हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। बट आपको प्राइवेट क्वारंटीन अगर आप लेते हो तो वहाँ पर आपको अलाउड नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है कि आप खुद कुकिंग करो। आपको अपना अरेंजमेंट करना पड़ता है कहीं और से कि आपको खाना कौन प्रोवाइड करेगा। बट यहाँ पर आपको कॉलेज के क्वारंटीन में बिल्कुल अलाउड है। मैंने रिसेप्शन पर कॉल करके पता किया था, उन्होंने बोला आप बिल्कुल कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही है हमारा डिनर आज का। मैं करता हूँ एंजॉय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू गाइस।